वहीं दिल्ली नहीं देश के कई हिस्सों में गर्मी है। आइए आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता पीयूषा शर्मा की रिपोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त हीट वेव कंडीशंस शुरू हो चुकी है और अगर हम आपको मैप के जरिए समझाना चाहें कि हीट वेव कंडीशंस किन किन इलाकों में आगे देखने को मिलेंगी तो आप ये मैप देखिए। इस मैप में जहां जहां पर रेड कलर से मार्क किए गए हैं टेम्परेचर, तो एक ब्लैक कलर से और एक रेड कलर से है, तो जो ब्लैक कलर से मार्क किया गया टेम्परेचर है वो हीट वेव कंडीशंस नहीं है, लेकिन जो रेड कलर से मार्क किया गया है ये सभी वो एरियाज हैं जहां पर 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर गया है, यानी कि हीट वेव कंडीशंस है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साउथ यूपी, मध्य प्रदेश, विदर्भा, ये सारे जो रीजन है यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस लगातार बनी हुई हैं और आगे दो दिन का भी अगर हम प्रेडिक्शन बताएं तो आगे दो दिन भी यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस जारी रहेंगी। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर देश भर में देखा गया है वो राजस्थान में गंगानगर में 49 डिग्री सेल्सियस देखा गया। तो भीषण गर्मी ने एक तरफ जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, कई इलाकों में पानी की किल्लत है, गर्मी की तपिश बढ़ गई है, हालात ये हैं कि लोग घंटों घंटों पानी की लाइन में लगने को मजबूर हैं। गाड़ी में बैठे इस शख्स को घेर कर अपना विरोध दर्ज करा रही इन महिलाओं की दुविधा बड़ी है। ये महिलाएं उस हक के लिए मनुहार कर रही हैं जिसे पाने का हक हर इंसान को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की। बिहार के मधुबनी की ये महिलाएं पानी के लिए जिले के डीएम साहब का घेराव कर रही हैं। आरोप है कि पानी की बूंद बूंद को तरस गई हैं। उम्मीद है कि इनको पानी मिलेगा। ये बात और है कि फिलहाल डीएम साहब की तरफ से भी मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। जल संकट एक्चुअली है कि जो 1.5 इंची का हमारा चापाकल है वो 20 फीट के नीचे जो कार्य नहीं करता है, और मधुबनी का जो है अभी एक्वीफर जो है लास्ट सप्ताह में 17 फीट के था तो अभी 20 फीट पे चला गया है। तो इसके लिए जो है नगर परिषद और जो पीएचडी है उनको 5-5 टैंकर्स जो है 1000 लीटर पानी के जो है शहर में शुरू करने के लिए कहा गया है। आपदा विभाग के द्वारा भी जो है 100 पहले से ही मधुबनी के लिए चापाकल स्वीकृत हो गए हैं। पानी के लिए लंबी कतार में चल रही ये महिलाएं भी इसी मुल्क में रहती हैं। तस्वीरें हजीराबाग की हैं, जहां गड्ढों के इस पानी को पीने के लिए जद्दोजहद चल रही है। भीषण गर्मी का हाल है कि वाहन निकलना दूभर है और ना निकले तो ये गंदा पानी भी हलक से नीचे जाने को नसीब नहीं है। पारा चढ़ता जा रहा है और देश के कई हिस्सों में पानी का कमोबेश यही हाल है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कहीं तालाब सूख गए हैं तो कई नल खराब पड़े हैं। हालात ये हैं कि पानी के लिए जंग जैसे हालात हो गए हैं। लोग चिलचिलाती धूप और गर्मी में भी सड़कों पर प्रदर्शन को मजबूर हैं और इस माहौल पर हर किसी को बस तलाश है एक बूंद पानी की, जो जिंदगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आसमान से आग बरस रही है, गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं। एक और जहां गर्मी कहर बरपा रही है, वहीं पहाड़ों पर भी गर्मी से आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रचंड गर्मी से आम जनता ही परेशान नहीं है बल्कि गर्मी का असर जंगलों पर भी है। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, सभी जगह जंगलों में लगातार आग लग गई है। आग में धधकते टिहरी के इन जंगलों की तस्वीर आपको दहला देगी। उत्तराखंड के जंगल को निगल रही ये आग रात के अंधेरे में तो दूर से दिखती है, लेकिन दिन के उजाले में पहाड़ों से उठता धुआं भर दिखता है। अगर तापमान बढ़ता है तो इसमें जैसे लगे हुए हैं, आवश्यकता पड़ने पर और लेबर बढ़ाई जा सकती है, स्टाफ बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम फिर उसके बाद अध्ययन करेंगे कि जो भूमि स्तर पर और क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या व्यवस्था अपनाई जा सकती है जिससे भविष्य में ये चीजें ना हो। टिहरी के जंगलों में फैली इस आग ने वन विभाग की तैयारियों को खोल खोल कर रखी है, क्योंकि नई टिहरी, जाखड़ी धार, लंब गांव और भिलंगना के जंगल इस आग में धधक रहे हैं। जंगल की आग से इस कदर धुआं उठ रहा है कि प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर भेजना भी संभव नहीं हो पा रहा है।
वहीं धुएं की वजह से इलाके के लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। उत्तराखंड में आग का ये तांडव तीखी गर्मी की वजह से है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आग की चपेट में आकर इस साल उत्तराखंड के 1200 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं और नुकसान अरबों में पहुंच चुका है। आग की वजह से अकेले कुमायूं में अब तक 1450 हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हो चुके हैं। वहीं वन विभाग ने लोगों के साथ साथ सैलानियों से भी अपील की है कि आग लगने की जानकारी तुरंत वन अधिकारी को दें।